फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीकॉम ऑनर्स के क्वेश्चन पेपर सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग का क्वेश्चन पेपर तो पहला क्वेश्चन है ये थ्री मार्क्स के क्वेश्चन है ऐसे इसमें आपके टेन हैं और ये टोटल आपका थर्टी मार्क्स का हो जाएगा तो पहला है हमारा एक्सप्लेन करना है ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग उसके बाद एक्सप्लेन करना है कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी तो ये थ्री मार्क्स का है ये थ्री मार्क्स का से टेन क्वेश्चन थर्टी मार्क्स के हैं डिस्कस करना है मेरिट एंड डी मेरिट ऑफ टाइम रेट वेज पेमेंट मेथड तो ये बेसिकली आपका कहाँ का है ये लखनऊ यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है क्लासीफाई ओवर हेड्स इन टू मेन हेडिंग्स और ये आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है प्राइम कॉस्ट एंड फैक्ट्री कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल का दिया हुआ है डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है फैक्ट्री ओवर दिया हुआ है वर्क इन प्रोग्रेस दिया हुआ है ओपनिंग एंड क्लोजिंग आपका यहाँ पे दिया हुआ है चलते हैं नेक्स्ट पे तो सिक्स्थ है हमारा हाउ मच प्रॉफिट इफ़ एनी इज़ टू बंसिडर फिट टू ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल दिया हुआ तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे टोटल कॉस्ट ऑफ टू हंड्रेड यूनिट इज रुप सिक्स थाउजेंड और नॉर्मल वेस्टेज इन प्रोडक्शन आपका दिया हुआ टेन परसेंट एंड कैन वी सॉल्व सोल्ड एट फिफ्टीन पर यूनिट एक्चुअल प्रोडक्शन आपका वन फिफ्टी यूनिट्स है यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है यूनिट्स एंड कॉस्ट ऑफ एब नॉर्मल वेस्टेज ऑल्सो आपको प्रिपेयर करना है वेस्टेज अकाउंट फिर हमारा है यहाँ पर एट्थ डिफाइन करना है आपको व्हाट इज ऑपरेटिंग कॉस्ट टू व्हाट सर्विसेज और बिजनेसेस इज ऑपरेटिंग कॉस्टिंग अप्लाइड और फिर आपको नाइन्थ में एक्सप्लेन करना है रोल ऑफ मैनेजरियल कॉस्टिंग एज अ टूल फॉर डिसीजन मेकिंग एंड टेंथ आपको व्हाट इज ब्रेक इवन अनालिस आपको बताना है वॉट आर इट्स यूजेज यूनिट वन में आपके पास ऑप्शन रहता है दो में से एक क्वेश्चन करने का तो यहाँ पर आपको पूछा गया है कि आप एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट से क्या समझते हैं मेन क्लासेज ऑफ कॉस्ट और एक्सप्लेन करना है विद दी हेल्प ऑफ अ डायग्राम तो अगर आप डायग्राम बनाते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं और फिर थर्ड में है आपका ए है कैलकुलेट करना है मैक्सिमम लेवल स्टॉक फ्रॉम द फॉलोइंग आपको ये जो इन्फॉर्मेशन दी है पार्टिकुलर्स वहाँ से सो so, आप ये देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके न्यूमेरिकल आपको यहाँ पे दिया हुआ है ए पार्ट था और ये आपका बी पार्ट है यहाँ पे देखिए जैसे कि आपने यहाँ पे देखा थर्ड का ए पार्ट और ये थर्ड का बी पार्ट है देन यूनिट नंबर सेकंड से आपके पास ऑप्शन है फोर्थ या फिफ्थ ऑप्ट करने का तो आप चाहें तो ये न्यूमेरिकल भी ऑप्ट कर सकते हैं या आप क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो आपका थ्योरी पार्ट है वो भी ऑप्ट कर सकते हैं नेक्स्ट पर हम चलते हैं तो देखिए ये जो न्यूमेरिकल पार्ट है यहाँ पे आपका लास्ट यहाँ पे न्यूमेरिकल यहाँ तक गया हुआ है नाउ वी विल मूव ऑन टू द यूनिट थ्री यूनिट थ्री में आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स एक न्यूमेरिकल है तो आपको अगर न्यूमेरिकल आप सही सॉल्व कर देते हो तो आपको फुल मार्क्स मिलने के चांसेस रहते हैं या आपके पास फिर से एक सेवन्थ भी है अगर आप सिक्स नहीं करना चाहते तो सेवन्थ कर सकते हैं तो वो भी न्यूमेरिकल दोनों में से जो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व हो पाए वो आप ऑप्ट करिए यूनिट फोर में आपके पास है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दी है सेल्स और प्रॉफिट एंड लॉस की आपको पी वी रेशियो फाइंड करना है फिक्स एक्सपेंसेज फाइंड करना है बी ई पी फाइंड करना है लेवल ऑफ एक्टिविटी आपको दिया हुआ है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट करना है अगर आपकी सेल्स एक लाख अस्सी हज़ार है मार्जिन ऑफ सेफ्टी करना है फॉर द एट टू थाउजेंड एट और आप नाइन्थ भी ऑप्ट कर सकते हैं जो भी आपको ईजी लगे आपको अगर एट्थ ईजी लग रहा है तो एटथ ऑप्ट या तो आप नाइन्थ भी ऑप्ट कर सकते हैं सो बेसिकली ये आपके पूरे क्वेश्चन हैं होप यू लाइक द वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टून बबा हैड